सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो फास्ट वे अमृतसर खबरनामा। मैं हाँ नवनीत रंधावा, ते हुण एक नज़र अज के बुलेटिन दीआं मुख खबरां वाल। मेयर करमजीत सिंह रिंटू वालों वार्ड नंबर 36 विखे पहुँच के किया गया 1.5 करोड़ रुपए की लागत नाल विकास कामों का शुभारंभ। विधानसभा हलका अटारी के विधायक जसविंदर सिंह रमदास वालों पिंड माहल विखे पहुंच के कीता गया 72 लाख की लागत नाल सड़क का उद्घाटन। सरहदी तहसील अजनाला के सरकारी कॉलेज के नेड़े लगी अग, मौके पर पहुंच फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। अते हुन खबरां विस्थार नाल। वार्ड नंबर 36 दे अधीन आउंदे इलाके जसपाल नगर सुल्तानविंद रोड गली नंबर 2 विखे अमृतसर दे मेयर करमजीत सिंह रिंटू वालों पहुँच के इलाके दीआं गलियां सड़कां दे कम्मां दी शुरुआत कीती गई। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं दस्सिआ कि इन्हां विकास कम्मां उपर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्च कीते जाणगे अते शहर दे विकास कम्मां नूं पहल दे आधार ते पूरा कीता जाएगा। इस मौके कौंसलर जसबीर सिंह निजामपुरा, नवप्रीत सिंह, रविंदर सिंह बिट्टू, जसप्रीत सिंह, अवतार सिंह, हरदेव सिंह, गुरविंदर सिंह रिंकू समेत वड्डी गिनती विच इलाकावासी मौजूद सन। विकास के कार्यों का उद्घाटन किया और मेरे नाल साढ़े सत्कारयोग MLA डॉक्टर निज्जर साहब ने भी आना सी। उन्होंने कोई उन्होंने मीटिंग पै गई उहदा करके वह नहीं आ पाए और अज इत्थे मैं उन्होंने बिहाफ से भी लोगों को यह विश्वास दिवाउणा ते अपने वालों भी यह विश्वास दिवाउणा कि इस वार्ड के जिन्हें भी काम अधूरे ने, अधूरा तो कोई नहीं, हुण ते दोबारा पुट के अहीं सड़कां वैसे बना रहे हैं, जिन्हें भी काम कोई अधूरे ने वो सारे जल्दी कंप्लीट होंगे। और पहला भी 1 करोड़ रुपए का विकास होया और अगे भी 1 करोड़ रुपए पास है और जिन्नी भी जिते जो लोड़ होएगी वो काम कीते जाएगी। अज इत्थे साडे कौंसलर साहब ते बाकी सारे सत्कारयोग इलाका निवासी आए ने जिन्हां दी मेहनत सदका अज इत्थे सारे विकास के काम चल रहे हैं। जिन्हें भी आम आदमी पार्टी के जुझारू साडे वलंटीयर आ, मैं उन्होंने भी इस गल की बधाई दिना। अज सरदार इंदरबीर सिंह निज्जर MLA साहब उन्हां दी रहनुमाई हेठ ये जड़े उद्घाटन आते सरदार करमजीत सिंह रिंटू जी मेयर उन्हां दी रहनुमाई हेठ जिहड़ा वार्ड नंबर 36 दे उद्घाटन है। 1.5 करोड़ रुपये के काम ही जड़े ये रुके हुए ही, अज इन्हां दा उद्घाटन ये काम जड़े है वार्ड नंबर 36 दे छेती ही 1 महीने दे विच कंप्लीट हो जाएंगे। हलका अटारी दे अधीन आउंदे पिंड माहल विखे आप आगू रावल माहल की अगवाई हेठ MLA जसविंदर सिंह रमदास ने 72 लाख की लागत नाल पीर बाबा जागुआणा रोड का उद्घाटन किया। पत्रकारों नाल गलबात करदिआं MLA जसविंदर सिंह ने आख्या कि पंजाब सरकार वालों पंजाबियों नाल कीते वादे जल्द पूरे किए जाएंगे। रावल महाजन वालों आए हुए मेहमानों सम्मानित किया गया। इस मौके पर सुखदेव सिंह लाडी माहल, पप्पू पहलवान, स्वरण सिंह, अजीत सिंह, भुपिंदर सिंह पिंदा, शमशेर सिंह शेरा माहल समेत वड्डी गिनती च पिंडवासी मौजूद सन। अज असी अज इत्थे रोड ते खड़े हो, ये बहुत जल्दी यह भी काम शुरू होने वाला है और ये सड़क तोड़ तक जागोवाणा तक बनेगी, ये नहीं भी अद चो छड़ देंगे। अज असी 82 लाख दे लागे चागे, 72 लाख दे लागे चागे सिर्फ गलियां नालियां जिहड़ियां अंदर जिहड़ियां रहिंदियां ने उन्हां नूं असी शुरू कीता ते बहुत जल्दी बना दे। कहण तो मतलब है भी कोई काम अधूरा नहीं छड़ांगे, असी काम करन वास्ते आए हाँ, असी समा लाउण वास्ते आए हाँ, समा टपाउण वास्ते नहीं आए कि समा टप जाए 5 साल। सरदार जसविंदर सिंह रमदास जी उन्होंने साढ़े पिंड आ के उद्घाटन किया, सानू बहुत खुशी आई, बहुत सारे पिंड वाले दिलों धन्नवादी करते हैं इन्हों का, तो हुण गांव भी जिहड़े रहिंदे काम आ सारे अहीं पूरे करांगे। पता ही नहीं किन्ने टाइम दे अधूरे ही, 20-25 साल ही हो गए ना कोई वड़दा ही इत्थे। आ वेखो अजे कल सरकार एक हिसाब दी बणी है, तो अज साडे MLA साहब आ भी गए ने, काम भी शुरू करवाते ने। सरहदी तहसील अजनाला दे सरकारी कॉलेज दे नेड़े अग लगन दी खबर है। फायर ब्रिगेड ने मौके ते पहुंच के अग ते काबू पाया। इस मौके ते कोई जानी माली नुकसान नहीं होया। SI लखविंदर सिंह ने दस्या कि थाना अजनाला नूं इतला मिली सी कि सरकारी कॉलेज दे नेड़े अग लगी हुई है, उस वेले फायर ब्रिगेड नूं सूचित किया गया अते अग ते काबू पाया गया। सानूं एक मैसेज आया है मुंशी नूं, एक कॉलेज दा नाला अग लगी है, नाल नूं अग इहने लाई है,
ਅਤੇ ਨਾੜ ਦੇ ਲੱਗਦੀ ਲੱਗਦੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਕਿਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਲਾਕ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਨਰਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਬਚਾਤੀ ਜੀ ਅੱਗ ਨਾੜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਪੱਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 105 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 310 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਸਬਰਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ SI ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ 105 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 310 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕੋਟਪੁੱਟੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਟਪੁੱਟੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੂਤਾਂ ਜਾਣੀ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 105 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 310 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਇਹ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਆ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 400 ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਹਬਸ਼ੂਆ ਵਾਲਿਆ ਜਨਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 77 ਦੇ ਮੋਹਨੀ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਵਿਰਾਟ ਦੇਵਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣਾ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਊਸ਼ਾ ਦੇਵਗਨ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਡ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸਪੁੱਤਰ ਵਿਰਾਟ ਦੇਵਗਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੁਢਾਪਾ ਵਿਧਵਾ ਔਰ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਥੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਨੇ ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਔਰ ਆਪ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਵੰਡਣਗੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਵਿਰਾਟ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਨ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਪਵਨ ਕੁੰਦਰਾ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵਬੰਧੂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਜੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਸਰਕੇ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ
अज उन्हां महान जिहड़े साडे चौधरी सी जिन्हां ने बहुत लंबे समय तो जेलां दे विच ने इंसाफ वास्ते वो अपनी कैद भी पूरी कर चुके ने उन्हां वास्ते अज सारियां संगतां इकट्ठियां हो के गुरु दे चरणां च अरदास बेनती कीती है क्योंकि जदों सरकारां गुंगियां बोलियां हो जाण फिर उस तों बाद पंथ खालसा फिर गुरु अगे सन्मुख हो के अरदास बेनती करता है। तो मैं ये भी बेनती की है सारिया संगतान कि आप पिंडों पिंड भी जड़ियाँ वो भी जिंदी जी समस्या आप अरदास करा सकते हैं कि गुरद्वारा भाई साहब को कह के भावें चार चार बंदे दस दस पाँच पाँच हो आप अपने पिंड भी आप कराइए। जिला भाजपा दफ्तर शहीद हरबंस लाल खन्ना समारक विखे पत्रकारा संबोधन करद्या जिला प्रधान सुरेश महाजन अते सीनियर नेता जगमोहन सिंह राजू की अगवाई हेठ पंजाब सरकार विरुद्ध बिजली कट्टां दे संबंध विच रोस जताया गया। इस मौके सूबा मीडिया सकत्तर जनार्दन शर्मा सूबा ओबीसी मोर्चा दे जनरल सकत्तर कवरबीर सिंह मंजिल जिला सकत्तर सतपाल डोगरा एससी मोर्चा दे जिला प्रधान संजीव कुमार सर्कल प्रधान रमन शर्मा विनोद बब्बल राकेश महाजन प्रोफेसर सरचंद आदि हाजिर सन। बड़ा लोकी जो गरीब तबके ने बहुत दुखी ने उन्होंने नौकरियां चली गई ने उन्होंने कारोबार बिजनेस चले गए ने और स्टेट गवर्नमेंट तो उन्होंने कोई हेल्प नहीं मिल रही इसलिए असी उन्होंने सस्ते दर के उत्ते लोन देने दे घर घर जाके उन्होंने सहायता कर रहे हैं और असी यह भी एक रण लिता है कि सारे के सारी स्कीम जीडिया भारत सरकार दियाँ और स्टेट गवर्नमेंट रोक के रखी हुई फायदा असी थले लेके जावे ये स्कीम का सू बड़ा अच्छा रिस्पोंस आ रहा है। 150 तो उत्ते एप्लीकेशन पिछले दो दिन आ गई ने और असी होर हर हिस्से जाके कैंप करके होर एप्लीकेशन कैनवास करेंगे साड़ी एक हेल्पलाइन है वो भी लोग सू संपर्क कर सकते। अजनाला तहसील दे थाना चंडेर दे तहत आउंदे पिंड विछोया विखे दो गुटां विच मारकुट होण दी खबर है। इस बारे थाना चंडेर दी SHO रमनदीप कौर ने दस्या कि झगड़े दे इस मामले विच 12 लोकां दे खिलाफ केस दर्ज कीता गया अते अग्गे कारवाई कीती जा रही है। मसला साडा कोई नहीं जनानी लड़दे ही उहनूं छड्डाया उहदे छड्डाउण इहदे गल पै गए पहला बाहर पै गए फिर आने के घर बूहा चन्ना भन्या साडा समान सारा तोड़ भन गए। हाँ जी सारा समान मोटरसाइकिल भी भन ड्रम भन के मशीन भनती है फ्रिज भनती नवी लिया अं कानूनी कार्रवाई करनी चाहते हैं जी जिन्ना कि साडा नुकसान होया वो साडा भर देन। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਪ ਸ਼ੇਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ 12 ਜਣਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਥਾਣਾ ਚੰਡੇਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬੰਡਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੌ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੱਸ ਨੇ ਨੌ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੱਢਣ ਆ ਗਏ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣਾ ਮਸਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਓ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ SSP ਸਰ ਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਗੇ SP ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਿਪਟੀ ਕੋਲ ਜਾਓ ਡਿਪਟੀ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀ ਇਹ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਛੱਬੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੀਜੀ ਮੈਂ ਸਟੇ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਪੈਲੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਵੜੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਰੇ 42 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਲੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਵੇਚੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਮਨਦੀਪ ਧੇਰਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਣਕ ਕੁਣਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਣਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਣਕ ਵੱਢੀ ਗਈ ਕੱਲ੍ਹ ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਅਫਸਰ ਆਏ ਥਾਣੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵੱਖ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ।
ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਟੋਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। फनलैंड अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ ₹5 से शुरू। Land in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल बॉडी बॉडी जैसे पारल पारल पासा जाने जा पन मेरी यामा लम्बी 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 है द थ्रॉटल लेट मी मेक यू मूव लेट मी मेक यू मूव कम बैड बॉय बेबी वन मोर थोड़ा क्रैक जान लेवा रे से मेरा स्वैग लेट मी मेक यू मूव लेट मी मेक यू मूव जानलेवा रेजर मेरा स्वैग है। ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। शहर विच वाद रही ऑटोस दी तादाद लोकां लई परेशानी दा कारण बन रही है अते गलत तरीके नाल सड़कां उपर लोकां वल्लों अपनियां गड्डियां नूं लगा के ट्रैफिक समस्या नूं वधावा दे रहियां हन, जिस दे चलदियां लोकां वल्लों साडी फास्ट वे न्यूज़ टीम नाल गल्लबात करदियां दस्सिया कि ट्रैफिक पुलिस प्रशासन नूं ऑटो दी वधदी तादाद नूं घटाउण लई सोचण दी लोड़ है, तां जो लोकां दीआं दिक्कतां दा हल हो सके अते सड़कां दा हाल खुला डुला हो सके। कारण है कि ऑटो वाले जिथे मर्जी ब्रेक लगा लोकां लई आए दिन एक्सीडेंट दा कारण बन रहे हन, जिस वल जिला प्रशासन अते ट्रैफिक पुलिस प्रशासन नूं इस दे हल लई सोचण दी लोड़ है। ऑटो ते दिनों दिन वधदी चलदी आ, हर कंपनी दीआं नवीआं तरहां दे ऑटो आ रहे ने, जिथे वेखदे ਜਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਖਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਟੋ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ, ਗਾਹਕ ਆਏਗਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਟੋਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਵਰਤਣ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ, ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਵਾਹਣ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਆਟੋਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪੈਸੇਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BRTS ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰੋਡ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਟੋ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਾਸਟ ਵੇ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮਦਰਸ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ GT ਰੋਡ ਦਬੁਰਜੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹਾ, ਸਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ, ਮਿਸਿਸ ਜਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਰਜਨੀ ਵਰਮਾ, ਨੇਹਾ ਧਵਨ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। Thank you.
कि सारे बच्चों अपने मावां की कदर करनी चाहिए है। एक माँ तो वध दुनिया च कोई चीज़ नहीं है। बेशक प्यो इंपॉर्टेंट है पर माँ की जगह कोई नहीं लै सकता। ता ही तो माँ तो इनिया कवितावां बनिया, कहानियां बनिया, लेख बने हैं, क्योंकि माँ की जगह कोई नहीं लै सकता। माँ इज़ द यू नो वेरी पावरफुल वर्ड। माँ ये वर्गा कोई नहीं दुनिया में, घनछावां बूटा ये जगह कोई नहीं लै सकता। रियान इंटरनेशनल स्कूल विखे चेयरमैन डॉक्टर ए एफ पिंटू, डायरैक्टर डॉक्टर ग्रेस पिंटू की अगवाई हेठ स्कूल विखे मदर्स डे का दिहाड़ा मनाया गया और मावां की विशेषतावान बारे दसया गया और समाज को अपील की गई कि अपने माता पिता का आदर सन्मान करना चाहिए क्योंकि माँ बाप ही इस दुनिया से परमात्मा का दूसरा रूप है। इस मौके प्रिंसीपल कंचन मल्होत्रा समेत वड्डी गिनती विच विद्यार्थी और टीचर मौजूद सन। पंजाब पुलिस वालों दिल्ली विच कीती गई भारतीय जनता पार्टी नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के विरोध में जिला भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा वालों पंजाब सरकार के खिलाफ रोस मुजहरा करदिया नारेबाजी की गई। इस मौके पर प्रधान गौतम अरोड़ा, विपिन नैयर, सौरभ शर्मा और राघव खन्ना समेत वड्डी गिनती विच नेता वर्कर मौजूद सन। सानू आज उस कर्तव्य रोका गया, लेकिन आज जेडी जेड़ा आज का मुद्दा है साढ़े राष्ट्र सचिव भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तजिंदर पाल बग्गा जी उन्हें एक झूठा पर्चा दर्ज किया। पंजाब बंदे जिस तरह किसी आतंकवाद को फड़न जाते हैं उस तरह ही साढ़े राष्ट्र सचिव तजिंदर पाल बग्गा जी फड़न गए, जो कि बिल्कुल एक गैर कानूनी है। प्रेस संघर्ष जर्नलिस्ट एसोसीएशन की अहम मीटिंग जंडियाला गुरु विखे प्रधान राम शरणजीत सिंह की प्रधानगी हेठ हुई, जिस विच जंडियाला गुरु के DSP सुखविंदर पाल सिंह मुख मेहमान सन और भारतीय जनता पार्टी के हलका इंचार्ज एडवोकेट गगनदीप सिंह उचेचे तौर पर शामिल सन। संगठन के राष्ट्रीय प्रधान संजीव पुंज ने उचेचे तौर पर विचार सांझे किए। इस मीटिंग विच केक कट के प्रेस का स्वतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर राजेश कौंडल, मलकीत सिंह, मंगलदीप सिंह, पंजाब सिंह बल, मनी खोसला, हरिंदर सिंह, सुखजिंदर सिंह गिल, राजेश पाठक, सतिंदर बीर सिंह और मनजिंदर सिंह चंदी समेत कई पत्रकार मौजूद सन। कोशिश करी है कि सच तो पहलू फट के रखिए, जोड़ा सच्चा बंदा वह साथ देती है तो जे ना साथ दिता जाए सच्चे बंद का तो घट्टो घट झूठे बंद का साथ देंगे घट्टो घट। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती जिंदगी तुम सच्चे बंद का साथ नहीं दे सकते पर फिर झूठे का भी ना दे अपने आप पकड़ा जा कर। GL रेंडेवियस संस्था वालों सालाना मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में हुई पत्रकार वार्ता दौरान आख्या गया कि माहर डॉक्टर इस मौके पर मोटापा विषय से संबोधन करेंगे और मोटापा घटाने बारे नवी तकनीक से भी चर्चा की जाएगी। पत्रकार वार्ता दौरान डॉक्टर अमिताभ मोहन जैरत, डॉक्टर गुरबिलास पन्नू, डॉक्टर रविंदर मल्होत्रा और डॉक्टर विकास गुप्ता भी मौजूद सन। असी एक टीचा लैके चले सी, एक ऑर्गेनाइजेशन असी कुछ साल पहले बनाई सी GI रोंडेवू नाम दे नाल ऑर्गेनाइजेशन है। सो ऑर्गेनाइजेशन दा जिहड़ा मेन कारण सी बनाउण दा कि असी सारे डॉक्टर्स हैं जिन्हां ने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कीती है ते इस तो अग्गे असी चाहुंदे सी कि पंजाब दे विच जिहड़ियां भी प्रॉब्लम्स ने जिहदे करके पंजाब इन जनरल हैल्थ दे स्केल ते नीचे जा रहा है किस तरह लोकां नूं उहदे बारे जागरूक किया जाए, किस तरह एक एक करके जिहड़ियां जिहड़ियां प्रॉब्लम्स ने उन्हां नूं असी लोकां दे थ्रू उन्हां नूं जागरूक करके कटाईए। गल समझण दी है कि हर नवी चीज़ जिहड़ी आ रही है वो बड़ी साइंस दी तफतीश तो बाद बड़े रिसर्च तो बाद निकलती है, इस करके बहुत जरूरी है। ये नहीं कि जदों ये नवी चीज़ साडे लोकां विच पहुँचती है ये नवी नहीं रह जाती, इहदे ते ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, बहुत काम हो चुका है ब्राज़ील विच, स्पेन विच, पर्टिकुलरली इस एंडोस्कोपिक वर्कशॉप बारे जो अं कर रहे हैं गल कल कर रहे हैं। अंबेडकर समाज दल दे सनी दानव वालों गांधी ग्राउंड विखे ऐसी समाज ते क्रिकेट खेड रहे बच्चों नाल जात पात नूं लैके हो रहे वितकरे की आवाज़ बुलंद करते हुए सरकार अते प्रशासन तो मांग की गई कि खेडां विच हो रहे जात पात के वितकरे नूं बंद किया जाए नहीं तो संघर्ष तेज किया जाएगा। इस मौके विकी कल्याण, कृष्ण कल्याण, आर्यन मट्टू समेत वड्डी गिनती च मैंबर मौजूद सन। अज भी दलित समाज के समुचे भारत में धक्केशाही हो रही है, उस कड़ी को देखते अज जो असी गांधी ग्राउंड कट्ठे हुए हैं और पिछले कई सालों तो लगातार होंदा आ रहा कि अदर जाति के जोड़े स्वर्ण जाति के कोच जिन्हें भी आ वो SC बच्चों अगे नहीं आन देंगे। लास्ट ईयर भी 2 SC बच्चों जोड़े अच्छे परफॉर्मर दे रहे थे सिलेक्ट होने हुए भी उन्होंने बाहर कड़िया गया, ये गल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं प्रशासन
और इतों के अधिकारियों को यह चेतावनी देना चाहना कि सही समय से सही डिसीजन लैके लोगों को बनता हक दिता जाए, नहीं तो असी सब लड़न लिए तैयार हाँ। और डीसी साहब का धन्यवादी हाँ जिन्होंने ये सारे मामले को जानते हुए रोक लाने की गल की। डिपू होल्डर यूनियन अमृतसर के प्रधान संजीव कुमार लाडी वालों और समूह मैंबरों वालों एक मांग पत्र DRO अरविंदरपाल सिंह नूं दिता गया, जिस विच पंजाब सरकार वालों जो घर घर राशन पहुँचाण की मुहिम शुरू करन की गल आखी गई है उस विच उन्हां दीआं मंगां नूं पूरा किया जाए, नहीं तो संघर्ष तेज किया जाएगा। इस मौके सुरिंदर महाजन, इंद्रजीत शर्मा, गुरिंदर सिंह दीप समेत सारे मैंबर मौजूद सन। ऑल फ्रूट एंड वैजीटेबल ट्रेडरस एसोसीएशन सब्जी मंडी वल्ला दी जनरल हाउस की वार्षिक मीटिंग का आयोजन चेयरमैन प्रीतम सिंह की अगवाई हेठ किया गया अते बिक्रमजीत सिंह शिवा नूं एसोसीएशन का नवा प्रधान नियुक्त किया गया अते वधाई दी गई। इस मौके कश्मीर सिंह, सुरेंद्र बिंद्रा, कमल किशोर, हरिंदर सिंह, बोधराज, जसपाल सिंह सेठी समेत वड्डी गिनती च मैंबर मौजूद सन। सारी मंडी की यूनियन ने साड़ी एक आपस च मीटिंग की। मीटिंग के सारे यूनियन ने आ तय किया कि उन्होंने भतीजे न ही प्रधान बनाया जाए। तो साढ़े यूनियन के सैकटरी साहब बिंद्रा जी, साढ़े एसोसीएशन के सैकटरी जी बिंद्रा जी, सारे सीनियर साहबान ने रल के अज के दिन मैनू अपनी यूनियन का प्रधान थापिया है। तो मैं पूरे दिल ला के मंडी का विकास कराऊंगा जितों तक मैं इन्होंने सारू ना लैके चलूंगा। पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा गुरद्वारा संगत साहिब रणजीत विहार विखे 3 जून नूं मनाया जाएगा। इस संबंध में 1 मई तो 31 मई तक श्री सुखनी साहिब के पाठ दोपहर 3:30 तो 5:30 तक हो रहे हैं। मंदिर माता आरती देवा जी करतार नगर शिहाटा विखे माता आरती देवा जी की अगवाई हेठ 26वां सर्वधर्म सम्मेलन 7 से 10 मई तक शाम 3 से 7 बजे तक होगा। सवेरे 10 से 12 बजे तक हवन यज्ञ भी होगा अते 11 मई नूं सवेरे 8 से शाम 4 अते शाम 4 से 7 बजे तक सुंदरकांड दा पाठ होगा। और सजा सजा के अपने दरबार विच बीचन वास्ते रखता है इस नूं गा के लै जाओ। श्री दुर्गियाना तीरथ स्थित श्री तुलसीदास मंदिर विखे श्री रामायण पाठ किए जा रहे हैं। वड्डी गिनती च लोग भाग लैके पाठ कर रहे हैं। अते आखिर विच मुख खबरां एक बार फिर तो। मेयर करमजीत सिंह रिंटू वालों वार्ड नंबर 36 विखे पहुंच के किया गया 1.5 करोड़ रुपए की लागत नाल विकास कामां दा शुभारंभ। विधानसभा हलका अटारी दे विधायक जसविंदर सिंह रामदास वालों पिंड महल विखे पहुंच के किया गया 72 लाख की लागत नाल सड़क का उद्घाटन। सरहदी तहसील अजनाला दे सरकारी कॉलेज के नेड़े लगी अग, मौके ते पहुंच फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू। ऐसा नच दियां खबरां असी अगले बुलेटिन विच फिर मिलांगे। हुण मैनू दिओ इजाजत, धन्नवाद।